वेलकम एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर 1969। हमने इससे पहले चैप्टर में देखे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में, जहाँ पे पांच किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इन दिस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसी में से एक किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर द टाइम। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी किंगडम में उठा के रखने की, तो वो चेंज होती रहती है। स्पेशली सबसे ज़्यादा चेंजेस वो देखे कहाँ हैं, हमने प्लांट किंगडम में देखे हैं। फंजाई एंड द मेम्बर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस दैम इन द सेम किंगडम। अब ये वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फंजाई और कुछ मेम्बर मोनेरा प्रोटिस्टा के, इन सबको पहले रखा गया था प्लांटी में, हालांकि अब उसमें से हटा लिया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया डेट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो एल्गी नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो अंडर द प्लांटी। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के अंदर, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद एन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम ये भी देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में भी कुछ क्लासिफिकेशंस हुई हैं। द अर्लियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। वही जो अर्लियर क्लासिफिकेशन की गई उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज़ किया गया, जैसे कि उनकी हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव, ये सारी चीज़ें। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनेनियस। और ये सिस्टम किसने दिया था, लिनेनियस ने दिया था, इसीलिए उस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसमें मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए गए थे जो ओवर द टाइम कई बार चेंज हो जाते हैं। इसीलिए दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। मतलब वो थे तो सेम ही, एक ही किंगडम के अंदर आने चाहिए थे, लेकिन मॉर्फोलॉजी को कंसिडर करते हुए वो अलग अलग क्लासीफाई हो गए। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो आर्टिफिशियल था उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया था, और होने के चाहिए था कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंट ज़्यादा माना जाता है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोस्ट ईजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। वही मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी है, वो कई बार अफेक्ट हो जाती है इन्वायरमेंट से। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड। अब इसके अगेंस्ट कौन सा सिस्टम आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, वो डेवलप हुआ, जो बेस्ड था नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर। ये पूरा किस पे बेस्ड था, उनकी नेचुरल अफिनिटीज़ पे, और सिर्फ उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को ही कंसिडर नहीं किया गया, उसमें उनके इंटरनल फीचर्स भी लिए गए कि जैसे कि एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बना उसे बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था किसने दिया था, तो बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। और ये भी पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया गया, तो सिर्फ इसमें इंटरनल फीचर्स तो थे ही, उसके साथ साथ क्या था, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो किस पे है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. तो phylogenetic classification system क्या बताता है? ये बताता है कि जो species या जो organism, basically organism एक taxa में आते हैं, एक category में आते हैं, उनका ancestor एक common ही होता है. तो ये this assumes that the organism belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use information from many other sources to help to resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidences. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computer, is based on all observable characteristics. अब ये कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारी information, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग sources से use करते हैं ताकि जो भी हम difficulty face करते हैं while classifying the organism या classification के time, तो हम उस difficulty को resolve करें. इसके लिए हम information use करते हैं. और वो information ज़्यादातर कहाँ beneficial होती है? वहाँ बेनिफिशियल होती है जहाँ पे हमें कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता. अब दूसरी टैक्सोनॉमी हम देखने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में आया भी है. पूछा गया है कि कौन सी टैक्सोनॉमी में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है, या कौन सी एक टैक्सोनॉमी है जो सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है. तो इसका आंसर जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसमें होता क्या है, नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं टू द कैरेक्टर्स एंड द डाटा, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है. मतलब हम इसमें कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं. तो जितने भी हमें दिखे, मान लो एक कोई कैट है, उसमें जितने भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, और फिर उस कोड को, उस डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाएगा. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड. तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और हम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं. तो इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है कि किस टैक्सोनॉमी में हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो क्या हुआ, वो कौन सी टैक्सोनॉमी आएगी? वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, जो बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, या बिहेवियर क्या है. तो ये क्या हो गई, साइटोटैक्सोनॉमी. तो साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. वहीं कीमोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? कीमोटैक्सोनॉमी होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि जो भी चीज़ है उसके अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे कैसे बना हुआ है. तो कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डेज. तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी टैक्सोनॉमीज पढ़ ली, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या दिया जा रहा था, जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, उनको नंबर दिया गया, कोड दिया गया, असाइन किया गया. फिर पढ़ा साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब आपका सेल का कंपोजिशन, उसके अंदर मतलब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के कितना नंबर है, कितना स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर है, ये सब. फिर हमारी कीमोटैक्सोनॉमी की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, क्या क्या उसका कंपोजिशन है, कैसे बना हुआ है. तो ये हमने टैक्सोनॉमी देखी. अब हम स्टार्ट करेंगे एल्गी से. एल्गी, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड
autotrophic and largely aquatic, both fresh water and marine organism. अब algae क्या है? algae chlorophyll bearing है, मतलब उसके पास chlorophyll मिलेगा. simple thalloid autotrophic, अपना खाना खुद बनाने वाले, और largely कैसे हैं? aquatic, पानी में पाए जाने वाले. अब कैसे पानी में मिलेंगे? fresh water और marine दोनों में मिलेंगे. दे अगर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, क्या है उनकी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स मिलती हैं? कौन कौन सी? मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड. सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के रहती हैं, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लाइकेंस. वहाँ पे एल्गी का क्या काम था? खाना बनाना, क्योंकि क्या है वो? ऑटोट्रॉपिक है. और कुछ एनिमल्स में मिलती है, जिसका एग्जांपल क्या है? स्लॉथ बियर. तो हमने इसमें क्या पढ़ा? बस इतना इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एल्गी क्या है. क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मैराइन दोनों. दे अगर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में भी पाई जाएंगी, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल में, वुड में. कुछ कहाँ मिलेंगे? एसोसिएशन में मिलेंगे, फंजाई के साथ रहेंगे, जैसे कि लाइकन में. कुछ एनिमल के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर. द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जो फॉर्म और साइज है एल्गी का वो कैसा है? हाईली वेरिएबल. द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. कैसे वेरिएबल है? अब हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे. रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म है, जैसे कि वॉलवॉक्स, फिलामेंट्स फॉर्म है इसकी, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायर वगैरह. कुछ मैराइन फॉर्म्स हैं, जैसे कि कैल्प, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज. तो ये क्या दिखा दी इसने? इसमें वेरिएबल, जो इसके पास वैरायटी है. ये क्या था? इंट्रो. नॉर्मली है क्या? इतना हमने पढ़ा कि इसकी साइज और फॉर्म बहुत वेरिएबल है. कॉलोनी में भी मिलेगी आपको, जैसे कि वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलेंगी, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पायर वगैरह, और मैराइन फॉर्म भी मिलेगी, जैसे कि कैल्प, जो क्या बनाती है? मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती है. अब हम देखेंगे कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है, कौन कौन से टाइप मिलते हैं उसके पास, ये सब हम देखेंगे. एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, सारे मेथड मिलेंगे इसके पास, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. कैसे हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? फ्रेगमेंटेशन से. अब हर एक फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस. अभी हमने पढ़ा एल्गी क्या थी? थैलॉइड. तो हर एक फ्रेगमेंट किस में डेवलप होगा? थैलस में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करके, और मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर. और एसेक्सुअल स्पोर का स्पोर कौन सा है? जू स्पोर. दे आर फ्लैजिलेटेड. कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल. एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स. अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का. दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, और सिमिलर इन साइज. उसका एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स. क्या है उसका एग्जांपल? यूलोथ्रिक्स. क्या है ये? फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. अब इसमें पूरा याद करने का ये है, हमें ये याद रखने हैं कौन से फ्लैजिलेटेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा सिमिलर है, कौन सा डिसिमिलर है. नॉन फ्लैजिलेटेड उसका एग्जांपल मतलब नॉन मोटाइल लेकिन साइज में सिमिलर हो, तो स्पायरोगायरा. अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ आइसोकैमस, आइसो
गैमस के एग्जांपल, आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? सिमिलर इन साइज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोगैमस के एग्जांपल, तो क्या कहेंगे इसके एग्जांपल में? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। जब पूछेगा आइसोगैमस में तुम क्या बताओ, फ्लैजिलेटेड बताओ, तो किसका एग्जांपल दोगे? तब दोगे तुम यूलोथ्रिक्स का। और वही इसमें पूछेगा कि नॉन फ्लैजिलेटेड, तो जाएगा इसमें स्पायरोगायरा। तो हमें ये याद रखना है, जब आइसोगैमस बोले तो ये दोनों आ जाएंगे, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स। जब पूछेगा फ्लैजिलेटेड तो आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, जब पूछेगा नॉन फ्लैजिलेटेड तो आ जाएगा स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। उसने आगे बता दिया है इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज। अब किन गैमिट का फ्यूजन करा रहे हैं? जो डिसिमिलर हैं इन साइज में। कहाँ मिलेंगे वो? एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोर्निया। क्या है? यूडोर्निया, और उसे बोलते हैं हम एनाइसोगैमस। अब फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, मतलब स्टैटिक, बेसिकली फीमेल गैमिट, दूसरा स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट, उसे हम उस टाइप को बोलते हैं ओगैमस। क्या बोलते हैं? ओगैमस। ओगैमस का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो हमें इसमें ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। आइसोगैमस के एग्जांपल्स कौन कौन थे? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ये कैसा था? फ्लैजिलेटेड। ये कैसा था? नॉन फ्लैजिलेटेड। ये हो गया आइसोगैमस। एनाइसो का एग्जांपल है यूडोर्निया। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट जो डिसिमिलर हो इन साइज में। फिर आ गए ओगैमस पे, इसमें एक मोटाइल स्टैटिक फीमेल वाला, स्मॉलर मोटाइल जो मिलेगा वो, सॉरी फीमेल का क्या होगा? नॉन मोटाइल। मेल का क्या होगा? मोटाइल। इसको हम बोलते हैं ओगैमस। और एक फंजाई होती है एलब्यूगो, एलब्यूगो, उसमें हम जो पीछे पढ़ के हैं उसमें भी ओगैमस मिलता था, याद रखना। ये कंफ्यूज करते हैं कि चूज़ करो कौन कौन से फंजाई, वो कौन कौन सी एल्गी है जिसमें ओगैमस मिलता है, तो वहाँ एलब्यूगो भी लिखा रहता है, तो ये तो याद रहता है वहाँ ओगैमस होता है, लेकिन ये है क्या? ये एल्गी नहीं है, ये क्या है? फंजाई है। तो यहाँ पे हमने एक इतना पार्ट कंप्लीट किया एल्गी का। अब ये है इसके डायग्राम्स, इसके डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सबको देखते जाना क्या क्या है। ये ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं, ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल हैं, ये रेड एल्गी के एग्जांपल हैं, ये क्या है? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स अभी हमने पढ़ा था, कैसे रहता है? ये कॉलोनी में रहता है। ये क्या है? यूलोथ्रिक्स। कैसे था? फिलामेंटस की फॉर्म में। ये है ब्राउन एल्गी, अभी हम ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे तब आएंगे इनके डायग्राम्स पे। अब एल्गी, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी जो है इंसान के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ में यूजफुल है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है टोटल, उसका हाफ कौन फिक्स करती है? एल्गी करती है। कैसे करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो हाफ ऑफ डाइऑक्साइड, मतलब टोटल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाएगी नेचर में, अर्थ में, उसमें से हाफ कौन फिक्स करने में हेल्प करती है? एल्गी। और किसके थ्रू हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू।
बी फोटोसिंथेटिक। अब ये कैसे हैं, ये फोटोसिंथेटिक हैं। बींग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। कैसे होने के नाते, फोटोसिंथेटिक होने के नाते ये इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिक ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। इनकी क्या है, इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। क्या हैं ये? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। और क्या करते हैं, ये बेसिस बनाते हैं फूड साइकिल का एक्वेटिक एनिमल्स में। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा। किसकी स्पीशीज? पोरफायरा की। मैनी स्पीशीज़ कौन कौन सी, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज एज अ फूड। अभी किसके एग्जाम्पल हो गए? फूड के एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, सार्गेसम और पोरफायरा। और क्या हैं ये? मैराइन एल्गी हैं जो किसके लिए यूज़ होती हैं? फूड के लिए। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है, कौन कौन सी एल्गी यूज़ हो रही है? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। मैराइन एल्गी हैं जो फूड के लिए यूज़ की जाती हैं। कुछ मैराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी हैं जो प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। अब हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स वो होते हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स वो होते हैं जिनके पास क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर को होल्ड करके रखें। तो कौन सी एल्गी है जो इसमें हेल्प करेगी? मैराइन में ब्राउन और रेड एल्गी, जैसे कि एल्गिन। एल्गिन कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी। अब ये कैसे याद रखें कि एल्गिन ब्राउन एल्गी है कि रेड एल्गी है? ए बी, जैसे ए बी सी डी में होता है ना, ए के बाद बी आता है। तो एल्गिन, एल्गिन किससे स्टार्ट हो रहा है? ए के बाद क्या आएगा? बी। तो एल्गिन किसने प्रोड्यूस किया? ब्राउन एल्गी ने। और कैरागिन, कैरागिन कौन करती है? रेड एल्गी। फिर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा दूसरे में कि कौन सा रेड था कौन सा ब्राउन था। तो एल्गिन ए के बाद क्या आता है? बी। एल्गिन कौन प्रोड्यूस करेगा? ब्राउन एल्गी। कैरागिन कौन प्रोड्यूस करता है? रेड एल्गी। विच आर यूज कमर्शली, जो कैसे यूज होती है? कमर्शली यूज़ की जाती है। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, क्या अगार। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सा ऑब्टेन हुआ? जेलेडियम एंड ग्रैकिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। इनका एक यूज़ कहाँ किया जाता है? आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए। कौन कौन से? जेलेडियम और ग्रैकिलेरिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं इसके, कहाँ क्या क्या यूज़ कैसे हो रहा है। अब जो क्लोरेला है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? क्लोरेला अ यूनिसेल्यूलर एल्गा रिच इन प्रोटीन यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। अब जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, वहाँ खाना तो नहीं मिलता, तो एज अ फूड सप्लीमेंट वो क्या यूज़ करते हैं? क्लोरेला। और एक हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ में पढ़ते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, वो चीज़ अलग, वो उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? क्लोरेला किसका है? यहाँ पे एक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है जो स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। तो दे जो एल्गी है, द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस। अब एल्गी को हमने तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड करा है और किसके बेसिस पर करा है ये देखेंगे अभी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये क्या है जो हमने एल्गी को डिवाइड करा है किस बेसिस पे, आप ये आगे देखने वाले हैं क्या क्या बेसिस हैं। बेसिकली तो इनके पास जो पिगमेंट होता है उसी बेसिस पे हो जाते हैं ये।
तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि एल्गी जो है उसका क्या क्या यूज़ है, इस पैराग्राफ में देखा कि कमर्शियली वो हमारी कैसे हेल्प करती है, कहाँ कहाँ यूज़ हम उसे करते हैं, तो एल्गी मतलब किन किन वेज में अलग अलग वेराइटीज़ में यूज़फुल है। तो जितनी भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है नेचर में, अर्थ में, उसमें से आधी एल्गी कराती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेटिक है तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या लेवल भी इंक्रीज करती हैं इन्वायरमेंट में। इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं और कहाँ पे, एक्वेटिक फूड, एक्वेटिक एनिमल्स पे, वहाँ की फूड साइकिल के लिए। आप कौन बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे कि पॉरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये क्या हैं, ये कुछ स्पीशीज़ हैं 70 स्पीशीज़ में से भी, वो भी मेराइन ब्राउन एल्गी, मेराइन फॉर्म, जो कहाँ यूज़ हो रही है खाने में। ये सब ये हमें याद रखने हैं एग्जाम्पल्स। तो एक बार मैं साफ कर देती हूँ, फिर एग्जाम्पल्स हाईलाइट करती हूँ जो हमें याद करने हैं सारे, वैसे बेसिकली सारे याद करने हैं एग्जाम्पल्स तो हमें। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे, पॉरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, क्या है ये, मैराइन एल्गी है, फूड की तरह यूज़ की जा रही है। फिर हम चले दूसरे पे, कुछ दूसरी मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी कौन कौन सी, जो हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करती हैं, एल्गिन ब्राउन एल्गी, कैरेगिन रेड एल्गी। नेक्स्ट है अगार, ये कौन प्रोड्यूस करता है, गैलिडियम और ग्लैकिलेरिया, ये भी ये एल्गी है, ये कहाँ यूज़ हो रही है, माइक्रोब और आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लोरेला, जो इस यूज़ होती है एज अ फूड सप्लीमेंट, यूनिसेलुलर है, प्रोटीन रिच है, और कौन यूज़ करते हैं उसे, स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो हमें इसमें याद रखने हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है। फिर हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि एल्गी डिवाइड है हमारी 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फ्यूओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी होती है हमारी ग्रीन एल्गी, फ्यूओफाइसी होती है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी होती है रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी, ये है हमारी ब्राउन एल्गी और ये है रेड एल्गी। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, क्या कहा जाता है इन्हें कॉमनली, ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी मे बी, अब इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, ये इसके क्या होगा, एक करेक्टरिस्टिक होगा इसकी प्लांट बॉडी के, यूनिसेलुलर होगी, कोलोनियल होगी या फिलामेंटस होगी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, क्या होते हैं, यूजुअली ग्रास ग्रीन, जैसे घास होती है ना, जैसे उसका हरा कलर होता है वैसी, तो दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। किस पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट की वजह से। तो कौन से पिगमेंट मिलते हैं इसके पास, क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। द क्लोरोप्लास्ट मे बी, अब क्लोरोप्लास्ट की कैसी कैसी शेप पाई जाती हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल और रिबन, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट की शेप हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ में मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, अब ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इसके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, क्या होती है इनके पास, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी मिलती है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेनॉइड्स। तो पैरेनॉइड्स क्या है, स्टोरेज बॉडी का नाम, किसकी, ग्रीन एल्गी का, जो कहाँ मिलेगी आपको, क्लोरोप्लास्ट में ही मिलेगी। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, अब पायरेनॉइड के पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो क्या मिल रही थी इसके पास, स्टोरेज बॉडी मिल रही थी, क्या नाम था उसका, पायरेनॉइड।
पायरोनाइट कहाँ मिलेगी आपको? क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी। अब पायरोनाइट कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अब इसका मतलब है कि अब पायरोनाइट के पास प्रोटीन है स्टार्च साइड में है? नहीं, इसका मतलब है कि स्टार्च है और स्टार्च के साइड में क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। तो ये होती है पायरोनाइट स्टोरेज बॉडी। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो फूड है कैसे स्टोर करके रखती हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। जैसे कि ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। हमें ये भी याद रखना है कि इसकी जो लेयर है आउटर कैसी है, इनर कैसी है। इनर लेयर किसकी है? सेल्यूलोज की। आउटर लेयर कैसी है? पेक्टोज की। और क्या होती है इनके पास स्टोरेज बॉडी? पायरोनाइड। अब हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। हमने इसके इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि एल्गी के पास हर टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सारे। तो वेजिटेटिव में क्या होता, फ्रेगमेंट में टूट रहा था और हर एक फ्रेगमेंट थैलॉइड में बन रहा था। तो वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजिया। तो अब जो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ज़ूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके पास, उसमें क्या मिलेगा? अलग अलग टाइप के सेक्स सेल्स बनते हैं, या तो आइसोगैमस जो सिमिलर इन साइज हो, एनाइसोगैमस क्या हो डिससिमिलर इन साइज हो, और ओगैमस। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी क्या हैं? क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, विलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। ये सब क्या है? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, विलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। इन दोनों के डायग्राम हमने देखे थे अभी। ये कैसा था? कॉलोनी बना के रह रहा था। और ये कैसे रह रहा था? फिलामेंटस फॉर्म में। तो यहाँ पे ग्रीन एल्गी हमारी पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे नीचे ब्राउन एल्गी, जिसका नाम है फियोफाइसी। तो हमने स्टार्ट कर दी थी ब्राउन एल्गी, आते हैं। फियोफाइसी कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी प्राइमली मराइन हैबिटेट में मिलती है। ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म। कहाँ कहाँ कैसे मिलेगी? सिंपल ब्रांच, उसका एग्जांपल हो गए फिलामेंटस फॉर्म जिसे बोलते हैं एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म जो मिलती है किस में देखने मिलती है? कैल्स में। तो दो फॉर्म पड़ी, सिंपल ब्रांच, सिंपल ब्रांच का एग्जाम्पल है हमारा एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूज ब्रांच का एग्जाम्पल है कैल्प। कहाँ तक पहुँच जाएगी? 100 मीटर की हाइट तक पहुँच जाएगी। इसके पास क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए और सी। कैरेटोनाइड्स मिलेंगे, जेंथोफिल्स मिलेंगे। अब जो इसका कलर है, जो शेड्स हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन जो इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ब्राउन शेड है या जो कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से आता है? तो कौन कौन दो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं कलर के लिए? जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन, ये रिस्पॉन्सिबल हैं ब्राउन शेड या डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन लाने के लिए इन ब्राउन एल्गी। अब फूड कैसे स्टोर होता है इसकी बॉडी में? तो हमें पता है वहाँ पे ग्रीन एल्गी में क्या हो रहा था? स्टोरेज बॉडी, उसका नाम था पायरीफॉर्म। यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल। इसके पास क्या है? सेल्यूलोजिक वॉल है। वो कहाँ मिलेगी? इनर साइड पे। और उसके बाहर क्या मिलेगी? जेलेटिनस कोटिंग एल्गिन की। ग्रीन एल्गी में क्या मिल रहा था? अंदर सेल्यूलोज, बाहर पेक्टोज। यहाँ क्या मिलेगा? सेल्यूलोज और बाहर मिलेगी एल्गिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। और क्या क्या मिलेगा इसके पास? प्रोटोप्लास्ट में सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होती है? होल्ड फास्ट से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राउन एल्गी में कैसे अटैच होती है सबस्ट्रेटम से? तो होल्ड फास्ट।
एक स्टॉक होता है जिसे बोलते हैं स्टाइप, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे बोलते हैं फ्रॉन्ट। तो हम होल्ड फास्ट को बोल सकते हैं ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? रूट लाइक, ये रूट नहीं है बट हम क्या बोल रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप को बोल सकते हैं हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? स्टेम लाइक। और आगे इन्होंने फ्रॉन्ट को बोले ये क्या है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगा, उसका नाम क्या है, फ्रॉन्ट। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ी है, कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मोस्ट ब्राउन एल्गीज बाय बायोफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स, जो कैसे हैं, पियर शेप है और इसके पास दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसा हो सकता है, मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, कोई सा भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, या तो कहाँ होगी, पानी में हो या फिर ओगोनियम के अंदर। ओगोनियम मतलब ओगैमस स्पीशीज। द गैमेट आर पायरीफॉर्म, गैमेट कैसे होंगे, पायरीफॉर्म पियर शेप तो लेटरली अटैच फ्लैजेला होगा। अब इसके कॉमन फॉर्म्स एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, ये क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन एल्गी के। तो इसमें एक ट्रिक होती है, अभी हमने पढ़ा था एक प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म जो 100 मीटर्स तक जा रही थी, क्या थी उसका एग्जाम्पल, कैल्प्स, KELPS, कैल्प्स। तो एक ही ट्रिक टाइप हो गई, कैल्प्स तो खुद एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या आ रहा है, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिया, एस फॉर सार्गासम, और दो हमारे बच जाते हैं इसमें क्या, फ्यूकस और डिक्टियोटा। तो हम ये ऐसे याद कर सकते हैं, कैल्प्स एक खुद एग्जाम्पल है, ई आ रहा है इसमें, ई से है एक्टोकार्पस, एल आ रहा है एल से लेमिनेरिया, एस आ रहा है एस से है सार्गासम, फिर बच्चे कौन कौन से, डिक्टियोटा और फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए ब्राउन एल्गी के। नाउ वी मूव ऑन टू रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को कॉमनली हम कहते हैं रेड एल्गी, ये कॉमन नेम है इसका रेड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गी, क्या बोलते हैं हम इसे, कॉमनली रेड एल्गी के नाम से जानी जाती है। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस, मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डोमिनेंस है जिसकी वजह से वो रेड पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट है, आर फाइको इराइथ्रन इन देयर बॉडी, जिसकी वजह से क्या अपीयर होती है, रेड। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ज़्यादातर कहाँ मिलेगी आपको, मेराइन एरिया, मेराइन भी वहाँ जहाँ पे क्या हो, वार्मर एरियाज हों। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशन विद रिलेटिवली लाइट लिटिल लाइट पेनिट्रेट, मतलब ये आपको मैराइन हैबिटेट है और कहाँ कहाँ मिलेगी, वाटर सरफेस पे भी मिलेगी जहाँ अच्छी खासी लाइट आती है, और डीप ओशंस में या अंडर डीप सी भी मिलेगी जहाँ पे एक ज़रा सी भी लाइट पेनिट्रेट ना कर सके। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, अब अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था एल्गी कैसी थी, सिंपल थैलस ये सारी चीज़ें, तो इसकी रेड नाम ही है, थाली है इसकी, सपोज रोडोफाइसी है रेड कलर है तो इसे रेड कलर बहुत पसंद है, तो अपनी थाली भी कैसी लेगी, रेड कलर की, ये कोई थाली नहीं है बस मैं इसे समझा रही हूँ कि याद हो जाए। तो जो रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी कैसी है, मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी होती है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स होती है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ फूड कैसे स्टोर हो रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म।